नमो वरिष्ठारम नमो सिद्धारम नमो वरियारम नमो वज्यायारम नमो लोहि सत्सागुणम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमत मंगलम वंदे संदर्श सिद्धर्थम संदर्शर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाजीवन धर्मो मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम ओम नमः जीम जीवम दबम चिन्वर बसेण येण दिष्ठम देवेन्द्र बिंदुवंदम वंदितम सर्वदा शिरसा ओम नमः। आध घंटे का भोजन जब तक 6 घंटे नहीं मेहनत करोगे तब तक पचेगा नहीं। हमने सुन लिया दूसरे दिन आकर के फिर बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, विचार बारंबार बारंबार विचार, स्वयं का गुरु बनना पड़ेगा, दूसरों का नहीं। बोलो क्या कहा, हम क्या पढ़ा, क्या सुना, पूछना पड़ेगा, स्वयं ही पूछना पड़ेगा, स्वयं ही बताना पड़ेगा। अलग से ग्रंथ लेकर के बैठ जाओगे कुछ नहीं होगा। 6 उपशम ज्ञान से केवल मद बढ़ सकता है, 6 उपशम ज्ञान से शांति नहीं मिलती, ध्यान रखना। हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। 1 साल बाद कहो तो यही कहेंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अपनी समझ को सही मान लिया, इसलिए समझ में आने की बात नहीं। समझ में नहीं आता कि समझने की चेष्टा नहीं करती, उद्यम नहीं करती, गरज नहीं है, जरूरत नहीं समझती समझने की। अपन चल रहा है, जोर से बोल दिया बस चुपचाप कर दिया सामने वाले को। समझने की इच्छा का करने है, हम रोटी नहीं खाएं, मनाते रहो तुम। हमें गलती किसने करी ये नहीं पता, हम रोटी नहीं खाएं, वातावरण खराब कर देंगे। तुम ही कर नहीं, हम जो कर रहे सो ही करेंगे हम। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ध्यान रखना। अंदर की मान्यता बदलने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, और मान्यता नहीं बदलेगी, दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक आचरण कहां से आएगा, कौन उसको पालेगा। समंत भद्र स्वामी ने क्या लिखा, बिया भावे तरो रिवर, श्लोक याद हो नहीं होगा, हिंदी तो याद होगी। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति वृद्धि फलोदय कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही सम्यक्त के अभाव में ज्ञान चारित्र का उत्पन्न भी नहीं होता। और नहीं होता है इसका मतलब क्या है, अगर होगा तो नष्ट होगा, नहीं होगा तो हो नहीं पाएगा। लगे रहो, तुम समझते भले रहो कुछ भी, हमने कह दिया था, आपने ऐसा कह दिया था, तो हमने सही मान लिया उसको, बस चुप रह गए, आपने ऐसे कह दिया तो कह तो देंगे। हम कितने टाइम आए, हमने कहा कितने टाइम, कभी मत आओ हमारे पास, अपनी व्यवस्था स्वयं बनाओ। अब हमसे अपेक्षा मत रखो, हम अपेक्षा सम्मान पूर्ण करेंगे, सम्मान है ये, समान है। जरा सी ऐसी बातों पूछते हो और या गोल कर दो, वातावरण खराब कर दो, सोचो कम से कम सम्मान किसका कहते हैं। सत असत का जिसे वेद ज्ञान नहीं है उसको सम्मान नहीं होता। सत मान अपने को ज्ञायक स्वरूप समझो, शरीर भिन्न है, वो शरीर असत है, पर्याय असत है, संयोग असत है,
आश्रय करने योग्य नहीं है। स्वाध्याय देखो तब पूरा हो पाएगा, पूरा होने की जब अनुभव हो जाएगा। लेकिन स्वाध्याय को सार्थक करने के लिए हर स्वाध्याय में हे उपाधि का ज्ञान करना चाहिए, स्वपर का ज्ञान करना चाहिए। अज्ञानी पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, पर को अपना मानता है, सुख दुख का कारण समझता है, इनको क्या करना चाहिए ये सोचता है। ज्ञानी ये सोचता हमें हर हालत में समता रखना चाहिए। क्या करोगे, परद्रव्य के परनमन को तो नहीं बदल सकते, उस परद्रव्य के परनमन को भी पर ही समझो, तुम्हें बदलने की जरूरत भी नहीं है, वो कोई बाधक साधक भी नहीं है तुम्हारे लिए। परद्रव्य का परनमन, परद्रव्य के परनमन के काल में जो तुम्हारे अंदर में तुम्हारा परनमन हो रहा है, तुम्हारे लिए बाधक साधक होने का। हमारे बारे में ये क्या सोचते इसका फल हमें नहीं मिलेगा। हम अपने बारे में क्या सोचते, ढर्रा मत पकड़ो। संतुष्टि मिथ्या संतोष आपको कहा था तृष्णा से भी बाधक है, ज्यादा खतरनाक है। और मिथ्या संतोष ये नहीं है ठीक है दुकान चल रही है थी चल रही है, अरे नहीं मिथ्या संतोष ये भी है कुछ पढ़ लिया हम ज्ञानी हो गए बस, कुछ कर लिया हम धर्मात्मा हो गए, हम पूजा कर आए, हम स्वाध्याय कर लो, हम पाठ कर लो, हमने माला फेर ली, हमने तीर्थ यात्रा कर ली, तीर्थ समझा नहीं और तीर्थ यात्रा कर ली, कुछ पता नहीं तीर्थ। अपने निकट के तीर्थ को तो समझो, जिसके जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। अब वो तो निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है, उसे तीर्थ कह दिया, और उनके चरण जहां पड़े उन्होंने जहां साधना की उसको तीर्थ कह दिया गया। आपको कहा था गिरनार क्यों तीर्थ है, नेमनाथ ने वहां तपस्या की थी, राजो ने वहां तपस्या की, रत्नाश्रय की पूर्णता हुई इसलिए वो तीर्थ कहला गया। जो रत्नाश्रय की साधना करे वह भी तीर्थ है, जहां साधना करे वह स्वयं तीर्थ है। आपको परमात्म प्रकाश टीका में से बताया था, विचार करो तीर्थ क्षेत्र, इसका मतलब है तीर्थ काल भी होगा, तीर्थ द्रव्य भी होगा, तीर्थ भाव भी होगा, और निश्चय भी होगा, व्यवहार भी होगा। अब तुम कुछ नहीं समझा जाओ तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्रा कर आए, तीर्थ कर आए, व्यापार का हिसाब लगाया है और तीर्थ कर दिया हमने। विश्व में के ऊपर तिरता हुआ शुद्ध आत्मा परमार्थ से तीर्थ है। अगर आत्मा तीर्थ नहीं है, जिसने ये नहीं समझा उसकी सारी तीर्थ क्षेत्र समझना झूठा हो गया। तुमने स्मरण तक नहीं किया, तैरती हुई नाव तैरने में निमित्त होती है, लेकिन किसके लिए, शराबी के लिए नहीं, नटखट बालक के लिए नहीं, पांव लटका लेगा तो उसका मगर खींच ले जाएगा। आपको नाव में बैठना भी आना चाहिए, दो नाव पे पैर तो मत रखो। हम समझ ही नहीं रहे, हमसे कह रहे हम दो नाव में पैर रखें, इनसे कह रहे हो ये रखें। अरे भाई दो नाव में पैर रखने वाला जीव कभी चल नहीं सकता, लेकिन एक नाव में एक पांव लटका ले पानी में तो भी नहीं चलेगा, फिर यह तो भाग्य समझो। एक पांव पानी में जिसने लटकाया किसी समय भी मगर खींच करके ले जा सकता उसको। अगर तुम्हें इन भगवंतों की भक्ति नहीं है तो संसार समुद्र के बीच में रहने वाले मगर के
मुख में हो। जब निमित्त होंगे तब वितरागी देव ही निमित्त होंगे, वितरागी गुरु ही निमित्त होंगे, चाहे कोई निमित्त नहीं हो जाएगा। कान खोल करके सुनो, अज्ञानी को गुरु मार बनना भी सरल, बनाना भी कष्टकर है और अज्ञानी का गुरु बनना भी कष्टकर है। न अज्ञानी के गुरु बनो और न अज्ञानियों को गुरु बनाओ। उपकार मानना अलग बात है, गुरु होना अलग बात है। गुरु नाम बढ़ेगा है, माता को भी गुरु कहते हैं, पिता को भी गुरु कहते हैं, विद्या गुरु कहते हैं, लेकिन उपकार मानना अलग बात है, गुरु बनाना अलग बात है। गुरु माने जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, गुरु बनाने वाले ये समझो, जिसकी कोई इच्छा नहीं। भोगों की वांछा पूरी करना अलग बात है, विवाह होना अलग बात है। जिसके साथ में विवाह हुआ उसको निभाना भी पड़ेगा आपको। अपने विसर्जन करना पड़ेगा अहम का, और सारे विसर्जनों में अहम का विसर्जन सबसे कष्टकारी है और सबसे कठिन है। माता छोड़ी, पिता छोड़ी, गांव छोड़ा, सखी सहेली छोड़ी, लेकिन अहम नहीं छोड़ पाए। तुम पढ़े हो, हम पढ़े, तदा के 100 केसों में 99 केस अहम के कारण से होते होंगे। हम कमा लेंगे, ध्यान रखना पैसा तुम्हारे चीज की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। पुराने लोग कहते थे विवाह करना गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। एक घड़ा भी खरीदते हैं तो ठोंक बचा के खरीदते हैं। वर वधू भी चिन्हना है, आपको समझना है, सीखना है, तो इन आंखों से काम नहीं चलेगा। विवेक की आंख खोलनी पड़ेगी, संस्कार देखने पड़ेंगे। ये नहीं है पैसा वाला है अभी, लड़का शराब पिया तो कभी लड़की सुखी नहीं होगी, जेबों से लड़ी होगी तो अभी। सदाचारी अगर दरिद्र भी होगा तो लड़की सुखी रहेगी, और सदाचारी दुराचारी चक्रवर्ती भी होगा तो अभी लड़की दुखी होगी। अधिकांश लोगों को वो पार्टी बहुत अच्छी है, अच्छी है, मंदिर जाते नहीं, रात में खाना पीना उल्टा किया काम, मंदिर जाते। अरे हम क्या कहें, जुनून छा जाता। नहीं, वो ही लड़का, वो ही लड़की बाद में जिंदगी भर रोते। मैना सुंदरी की बंसा जो तुम लोग, मैना सुंदरी ने क्या कहा था, पिताजी तुम हमारे लिए जिसको हमें सौंपाओगे उस वही हमारा स्वामी होगा, हम अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं बताएंगे, किसकी साथ दुआ करना। क्यों, उसका कारण है। कारण ये है कि भैया हम इन आंखों से देखेंगे, खाली सुंदरता स्वच्छता गोरे पीले देख लेंगे। तुम गोरे पीले परिणाम तो देख लो, गोरे पीले शरीर तो देख लो। हम कह रहे अधिकांश फेल हो जाते हैं लड़के लड़कियों को देखने में। बुजुर्गों को क्यों ले जाते हैं संग में, उन्हें कोई मतलब नहीं, भी निरपेक्ष होकर के देख सकते हैं, और भी भीतर भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। लड़की बहुत धर्मात्मा है, काय 2 घंटा पूजा करते हैं। हम ये कहते हैं लड़की बहुत धर्मात्मा है, जो गलती होने पर अपनी गलती माने और क्षमा मांग सके और क्षमा कर सके, फिर गांठ नहीं बांधे रहे। जो गलती होने पर अपनी गलती मानेगे, जितनी जल्दी क्षमा मांग सके और जितनी जल्दी क्षमा कर सके, वह धर्मात्मा है। धर्म के 10 लक्षण है। तुम क्रियाओं का धर्म देखते हो, हम परिणामों का धर्म कहेंगे। परिणामों का धर्म आज नहीं तो कल आपको समझना ही पड़ेगा।
पूजा तुमने करी तो ठीक है, लेकिन कौन सी परिणाम हो गए पूजा करती से? मन कथा तो नहीं आ गई तुम्हारी? एक भाई साहब पूजा करते थे अलग स्पेशल बेदी, ए माली आते ही और इतने मुट्ठी भर बादाम धरे और बस चार अंगूठी पहने और आकर के पंखा खोला पसीना पहुंचे जा रहे और बस पूजा करते आ रहे। ऐसा लगता था जैसे भगवान को देखने नहीं आए, हम खुद ही दिखाने आए। ए माली जैसे तुम्हारा स्पेशल नौकर हो, अब पैसा है उनके पास हो, बाबूजी बाबूजी वो कर ले तो बस इतनी बात। आकर के पंखा खोला फटा फटा पसीना पानी पी के आते थे और बस पसीना पहुंचे जा रहे, वो पूजा करते आ रहे, बहुत गर्मी है तो पूजा काहे कर रहे? ये गर्मी मेरे में नहीं है, मेरे में कसाई की गर्मी है, तुम मिटा सकते हो। ये गर्मी क्या मिटाओगे? अभी तुमने गर्मी देखी है नरक की? अरे नरक की गर्मी तो बहुत बड़ी बात है, मजदूरों को काम करते देगा घम है। बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़े आदमी हो गए। ये गर्मी एसी से पंखों से नहीं मिटेगी, ये गर्मी वेद ज्ञान से मिटेगी। वेद ज्ञान से ही सुखी होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक समाधान करोगे तो जब बिजली चली आएगी तब गर्मी की आर ध्यान कौन करेगा? अमेरिका में एक आदमी था, घुटनों में दर्द होने लगा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा एक काम करो तुम, एक घंटा धूप स्नान। और वो बड़ा आदमी था, उन्हें ठीक है करेंगे। अब उसने सोचा 23 घंटा हम एसी में रहे, 1 घंटा धूप स्नान करें, ये पागलपन कौन सा है? उठा करके फेंकी एसी, पसीना आया, अपने आप ठीक हो। कि 1 घंटा तो हम धूप स्नान करें, धूप में बैठें, और 23 घंटे एसी में रहें, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, मंदिर में, घर में एसी, मंदिर में एसी। अरे भैया ठीक है, तुमसे जो सहन नहीं होता तो वो काम करो, कपड़े पहनो तुम, कोई बात नहीं। एक टाइम रोटी खाओ, 2 टाइम रोटी खाओ, पानी पियो, जो कुछ करने करो, लेकिन उसे बुरा तो मानो, हे को हे तो समझो, पर को पर तो मानो, उसे धर्म तो मत मानो, पुण्य तो नहीं मानो। हम तो उसे पुण्य मानने लगे, धर्म मानने लगे। गाड़ी का नाम रख देंगे मंगल वर्धिनी, हमने कौन सा मंगल बड़े हो जाम है? गाड़ी से मंगल का वृद्धि नहीं होती, मंगल का नाश होता है। मंगल वर्धिनी तो आत्मा है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वैराग्य भावना है मंगल वर्धिनी। गाड़ी तो मजबूरी है, दूर दूर घर हैं, दूर दूर मंदिर हैं, दूर दूर चार चार छः छः आठ आठ किलोमीटर, चलो भाई गाड़ी चले आ। ये कोई बड़प्पन की निशानी नहीं है, मजबूरी है हमारी। भरत इसमें रह करके गौरव का अनुभव नहीं कर सकता, 6 खंड का विजय करना भरत की मजबूरी है, गौरव का अनुभव नहीं कर सकता। और 6 खंड की विजय भी मोह की विजय किए बिना अधूरी है, सुखी करने में समर्थ नहीं है। सुखी होने में समर्थ तो 6 खंड का की विजय नहीं, मोह पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कथाओं पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं को जीतना। ये बड़ी कलंक की बात है, अब क्या करें?
कछु काम ही नहीं है, स्वाध्याय करो जी क्यों नहीं आता। दो मिनट का समय आपके पास फालतू मिले तो बिकथा में मत गमाओ और अमकार मंत्र पढ़ ले, एक भजन पढ़ ले, एक भक्ति पढ़ ले। पांच मिनट का मार्ग मिले पांच मिनट के पास पढ़ ले, दस मिनट का मिले तो दस मिनट का टाइम मिले तो दस मिनट का पाठ करने बैठ जाओ। अब क्या करें, अब क्या करें, ये तुम्हारी स्वाध्याय की निरर्थकता को बताने वाला है। एक व्यक्ति है, उसको रोग हो गया, अब वो सोचे का दवाई दें, क्या करें, कौन को दिखा, वो डॉक्टर कुछ ये दवाई दे उसको ऐसा हो जाता है, इसमें ये रोग है। हम स्वाध्याय 24 घंटे करते हैं, काय के लिए करते हैं, हम क्या करें जी करबे के लिए। ये स्वाध्याय की निरर्थकता है। स्वाध्याय कहता है कि हम क्या करें, सब समाधान है उसमें। ताहि सुनो भाई मंत्रान जो चाहो अपनो, ताते जिन बरकत चित्त अभ्यास करिए, संसे विभ्रम हो त्याग आपो लख लीजिए। समय ज्ञानी हो बहुत चार चलिए, क्या करें बताओ, कहाँ हो तुम, समय ज्ञानी हो कि आत्मकल्याणार्थी हो। क्या करें जी पूछिए, हमसे पूछिए, जिनवाणी से पूछो, क्या बताइए जिनवाणी क्या करें। आर ध्यान किसी परिस्थिति में मत करो, धर्म ध्यान हर परिस्थिति में करो। ए वो तो बरात वहां निकलेगी, अब क्या करें, अरे वहां से शामिल हो या जरूरी, यहां से शामिल हो, वहां शामिल हो, अब वो पहुंच गई तो तुम पहुंच जा। क्या करें क्या करें क्या करें, एक किम करतु व्यक्ति बड़े शहर में पहुंचा, वहां उसका रिश्तेदार था, संयोग की बात रास्ता घूर आया, उसके पास फोन नंबर था, रिश्तेदार का भी अपना तो है ही फोन। उसने कहा भैया हम रास्ता भूल गए, कितने से आए, कहाँ खड़े हो, पहले जी पूछेगा कि नहीं खड़े कहाँ हो, हम वहां हैं, अरे इतने से आया, इतने से आया, कहेगा कि तुम खड़े कहाँ हो, इस बात पर निर्भर करेगा हम क्या करें। अगर आपको भेद ज्ञान नहीं है तो सबसे पहले भेद ज्ञान करो, और भेद ज्ञान है तो बैराग करो, फिर हमें नहीं बताना पड़ेगा क्या करें, तुम पूछोगे ही नहीं। जिसको अंदर में भेद ज्ञान है उसको कर्तव्य दिखाई देता है। सम्यक दर्शन में ये समझो, सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक पूरी पूरी, अब कौन से परिणाम आएंगे, अब क्या होगा आता ही, इनसे पूछे शिखर जी आना, हमें कहा पड़ेगा, कौन से स्टेशन पड़ेंगे, कहाँ ठहरने की व्यवस्था, ये सब बता देंगे यहीं बैठे। इसके बाद ये स्टेशन आएगा, इसके बाद ये आएगा, वहाँ रुकने की व्यवस्था है, वहाँ नहाने की व्यवस्था है, वहाँ मंदिर है, वहाँ खाने की व्यवस्था है, बोलो बताएंगे क्रम बढ़ाएंगे नहीं। हम कहते लोगों की चीज समझ में नहीं आता, क्रमबद्ध कैसे, हमारी समझ में नहीं आता, एक भी काम बताओ जो अक्रम होता हो, पहले वृक्ष होता है फिर बीज बोया जाता है, ऐसा हो सकता है, पहले बीज बोएंगे तब वृक्ष होगा, पहले सिंचाई होती है तब नराई होती है तब देखभाल करोगे, क्रम बढ़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसा यहां से लेकर वहां तक चलोगे तो क्रम, हलवा बनेगा तो क्रम, पूरी बनेगी तो क्रम। एक काम करो बेलो बाद में पहले सीख लो, कैसे करोगे, काहे लोगे बेलना बाद में सीखना पहले, अरे पहले बेलोगे तभी सीख पाओगे। ऐसा अक्रम नहीं हो सकता, तो पहले सम्यक दर्शन करोगे तब समय संयम हो सकेगा, और जब संयम हो सकेगा तब सुख हो सकेगा। बिना सम्यक के संयम नहीं है, संयम के बिना सुख नहीं। चादर ओढ़ने का नाम संयम नहीं है,
उठाओ दुपट्टा और चल रहे कसा की जेर भरे भीतर। स्वच्छंद रहना चाहते, स्वच्छंदता से करना चाहते, हमें चाहिए प्रतिक्रमण करने हैं। कौन के पास करें? सर्वज्ञ भगवान के पास। अब कहां से सर्वज्ञ आएंगे पंचम काल में? ढाई बजे तुम सब्जी लेवे पहुंचे हो, ताजी सब्जी मिल जाए। अरे भाई मैं छांटने पड़े, अगर आपको प्रतिक्रमण करना है तो भगवान की प्रतिमा है कि नहीं है? जहां कोई नहीं है, अपने से विशिष्ट ज्ञानी है कि नहीं है? कोई नहीं, अपने बराबर भी कोई नहीं है। हम कह रहे हैं छोटों के प्रति स्नेह होना सरल है, बड़ों का सम्मान होना सरल है, लेकिन बराबर वालों में ईर्ष्या नहीं हो, ये बहुत बहुत कर। आत्मानुशासन में लिखा है, समान बुद्धि के धारकों पे चर्चा करता सूत्रमल जी ने क्यों लिखा? हम समान समझते ही नहीं सब। अरे उन महापुरुषों को देखो, भगवंतों को देखो, जिन्होंने सबको समान समझा। सभी आत्मा समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और हम साधर्मी साधर्मियों को समान नहीं समझ पाएंगे। छह स्वयं के बल से, कोई पैसा के बल से, कोई व्यवस्था के बल से, कोई उम्र से, कोई का पद से, कोई प्रतिष्ठा से अपने को बड़ा माने बैठा। ऐसी हालत है, मंदिर न आने वाला भी अपने को धर्मात्मा मानता है। वो ये कहता है मंदिर तो नहीं याद, काउ को बुरु तो नहीं सोचे, ये मंदिर वाले तो बुरु और करते। ये भगवान मंदिर में बुरा करना सिखाया जाता है, बुरा चिंतन करना सिखाया जाता है। तुम सीखते क्यों? किसी स्कूल में गाली देना नहीं सिखाते भैया? वहां जरूरत नहीं है कि ये बात बुरी बातें सीखो, अच्छी बातें मत सीखो, इसमें तुम्हारा ही दोष है। मंदिर में नहीं सिखाया, तुम्हारे लोभ ने किया है ये काम, तुम्हारे क्रोध ने किया है, तुम्हारे मान ने किया है। तुम मंदिर पर आरोप करते हो, बदनाम करते हो मंदिर को। हम इस लड़की से कह सकते हैं तुम्हारी अम्मा ने यही सिखाओ, तो सामने वाला भी कहेगा तुम्हारे गुरु ने यही सिखाओ कि कदम कदम पर क्रोध करो, जोर से प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए आरुक त्याग की तरह। हम किसी प्रसंग में उत्तेजित नहीं होंगे। अगर आपको प्रभावना प्रिय है तो, अपना धर्म प्रिय है तो, अपनी क्षमता प्रिय है, किसी भी प्रसंग में उत्तेजित नहीं होंगे, किसी को हीन नहीं देखेंगे, कपड़ा कम नहीं नापेंगे, कहें शक्कर कम नहीं तोलेंगे, और आदमी को हीन देखेंगे जी का हमारे सामने। हम भी आई भी हैं, लेकिन ये खबर है कि तुम्हें क्रीम दूध में से निकलेगी, विशेष सामान्य में से आएगा और तुम सामान्य एकदम सामान्य हो जा। अरे हर समय सामान्य अनुभव करो, अपने को विशेष से मत देखो। इसलिए आपसे कहते हैं स्वाध्याय करना ही पर्याप्त नहीं है, स्वाध्याय को सार्थक करो, स्वाध्याय का प्रयोग करो। हमने इतने दिन से पढ़ा सुना, क्या यही पढ़ा सुना कि गुस्सा कर दी एक दिन में? अरे एक साल में तो फसल भई, छह महीना फसल भई और एक चिंगारी छूट गई, बर्बाद, सब आग लग गई। एक बात ध्यान रखना, अच्छी भावना से किया गया कार्य सफल हो सकता है। अगर पहले ही मन कथा के बसीभूत होकर के तुम कार्य प्रारंभ करोगे तो मन कभी सफल नहीं होगा, न शांति मिलेगी न श्रेय मिलेगा। कितनी मेहनत कर लेना, कितना ही त्याग कर देना, त्याग का भी अहंकार हो जाएगा, मेहनत करने का भी अहंकार हो जाएगा। क्या समझते हो? हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुम चल रहे हो कि चला रहे हो? तुम अपना प्रणमन करते हो, पर का प्रणमन करते हो?
जूझ में आकर के होश मत खो। होश माने क्या? एक शब्द भूल अभी नहीं लगाया हमने, भूल नहीं गए, नहीं लगाया। होश माने अपना होश, अपना ज्ञान। जब किसी को होश आता है, चाहे कहीं भी हो, हम कहाँ हैं, हम को हैं, हमारी गाड़ी कहाँ है बाद में, हमारा पर्स कहाँ है बाद में, हम कहाँ हैं, हम को हैं, पहले अपना ज्ञान होगा। बेहोश ऐसे कहते हैं जिसे अपना ज्ञान न हो। तुम्हारे घर का हो रहो तुम्हें का मालूम, तुम्हारी दुकान पे का हो रहो तुम्हें का मालूम, लेकिन बेहोश तो नहीं कहेंगे। बेहोश तो तब कहेंगे हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपना ही ज्ञान नहीं। बेहोश उसे कहेंगे जिसे अपना होश नहीं, अपना ज्ञान नहीं। हम क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कैसी कौन है, निमित्त का भी ज्ञान करो। हमारा हितैषी कौन है? टोटरा मजी ने वक्ता सूरता के संबंध में क्या लिखा, एक वाक्य, उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर के सुनना। पद्धति बुद्धि से चाहे किसी से चाहे कुछ सुन लेना योग्य नहीं है। जिसे अपना कल्याण करना हो, सुनना अनसुना मत करना। साल भर सुनता है और बस, ये आदतें बड़ी आ गई, 18 घंटे कार्यक्रम और हम सुन रहे 3 घंटा। जिनको जिनने रुचित है, उस व्यक्ति का पक्ष आ गया, उस शास्त्र का पक्ष आ गया, उसका विषय का पक्ष आ गया। निष्पक्ष होकर के पक्षातिक्रांत तत्व है, तत्व की अनुभूति भी पक्षातिक्रांत है। पक्ष छोर पार की निहारो नेक नीचे कर, जैन मैन और बैन इतनो ही फिर है। किसी विषय की सीमा होना चाहिए, हमें ज्ञानी होना चाहिए। बच्चे ने गंदगी कर ली और गंदगी में स्थान दिया अपने को, माँ को ग्लानी होगी कि नहीं? गंदगी से ग्लानी होगी, बच्चे से ग्लानी नहीं होगी। ऐसी ग्लानी भी नहीं है कि वह बच्चे को छोड़ दे, ऐसी ग्लानी भी नहीं है कि बच्चे को छोड़ दे, ऐसी ग्लानी भी उसको के गंदगे बच्चे को ही अपनी आंचल से लगा ले, ऐसा लाड़ प्यार भी नहीं है, वात्सल भी नहीं है, अंधा वात्सल नहीं है। ध्यान रखना, वात्सल के नाम पर जो वासनाओं की पूर्ति करते रहते हैं वे पापी हैं, महापापी। भीतर में कुछ और बाहर में कुछ और, ये बात ठीक नहीं है। जो भीतर है सो ही बाहर आना चाहिए। वचन और काया बाहर है और मन विचार तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें विचार आ रहा है वही बाहर आना चाहिए। अगर मन में कुछ और चल रही है और विचार कुछ और, वचन में कुछ और कह रही हो, ये पापी है। हमने देखे बहुत से साधर्मी ऐसे हैं, कहूं कछु नहीं है और मन में ये है, यहां कुछ नहीं है, चलो यहां से। उसका लक्षण समझ में आता है, चलने की खुशी जितनी होती है आने की खुशी नहीं होती। अरे जिन मंदिर में या स्वाध्याय सभा में ऐसे जाना चाहिए जैसे लड़की अपने मायके में जा रही है, रोगी वैद्य के पास जाता हो। वैद्य के पास मनोरंजन करने नहीं गया, पैसा दिखाने नहीं गया, अपने वेदना की रोग की दवा लेने के लिए गया, चिकित्सा समझने के लिए गया। हम कुछ काय के लिए आए, कछु नहीं टाइम पास कर भी, जैसे वहां बैठे तैसे यहां बैठे, ये कोई बात नहीं। कछु ना कछु समझ में ही आए, वो अहंकार तुमने पा लिया, हमें बहुत समझ में आता और कर रहे हो वही को वही, नहीं कुछ समझ में नहीं आता।
वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार हम जावे राग बंद की जोरी है। तुम्हें ये समझ में आता है कि मैं क्या हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर की कोई अवस्था के मैं हम करता भी नहीं है भोगता भी नहीं है, माने शरीर की कोई अवस्था हमारे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। अभी हम बैठने की शक्ति है तो बैठे बैठे धर्म ध्यान करेंगे, और बैठने की भी शक्ति नहीं रहेगी तो धर्म ध्यान करेंगे, आर ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान रखना क्यों, हमारे धर्म ध्यान का आधार आत्मा है शरीर नहीं है, हम लेटे लेटे धर्म ध्यान करेंगे करेंगे धर्म ध्यान आर ध्यान नहीं करेंगे। पंडित दीपचंद जी ने लिखा है, जब तुम हाय हाय करती हो तो राम राम करो तो कौन रोक लेगा, जब तुम हाय हाय कर रहे हाय का करें हाय का करें तो उस समय राम राम करो तो क्या दिक्कत है, भगवान का नाम स्मरण करो तो क्या परेशानी है, जिस समय तुम भोगों का स्मरण कर रहे हो। बहाने मत बनाओ। टोटर मजी कैसी बढ़िया बात लिखी, उसको हमने व्याख्या की आपको, उपयोग लगाए तो लगे, अन्यत्र उपयोग लगाता है और काम करता है बेकार, तेरी क्या सदुपयोग से अपने आप हो रहे हैं, और यहां कहता उपयोग नहीं लगता, उपयोग लगाए तो लगे। ऐसे ही हम हर बात में कहते समझे तो समझ में आए, समय निकाले तो निकले, समय निकाले तो निकले, समझे तो समझ में आए। गरजे ही नहीं है समझने की, अपने को माने बैठे समझदार गाय बजाए गए, हम ज्यादा जानते हैं, हम गाय लेंगे, इसीलिए जहां मौका पड़ता वहीं प्रसन्नता आ जाती है। नेक माइक मिल तो जाए फिर क्या पूछो, फिर को देखो तुम्हें, मिल तो जाए माइक। अरे ऐसे काम करो जिससे माइक तुम्हारी लिए तर्थ है, नेक जे भूलो, भोजन तुम्हारे लिए तर्थ है, रोजी नहीं ठोंकने पड़े, तुम ले मांगत फिरो और वो सामने वाला मना करे जी मत करो, तुम सामने वाला दे रहा हो तुम मना कर रहे हो और उसका चित्त मलिन हो जाए मना करने, ये कपड़ा तुम्हारे लाइए हमें जरूरत नहीं है, ए भाई ले ले हो हमें जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे। ये काम करो वेद ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, तत्व प्रभावना का। ठड्वपंथी में जीवन नहीं मिल गया तुम्हें, बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है और जैन कुल मिला है। सोचो 130 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी में जैनी कितने हैं, नाम के और बेहुए नाम के काम के नहीं है, व्यवहार जैन कितने हैं और भाव जैन कितने बताओ, एक आध हो तो बहुत, हम का कहें। भाव जैन उसे कहते हैं जो भगवान को मानता है और भगवान की भी मानता है, तुम्हारी नहीं भगवान की भी मानता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय किया होगा, नमे अधिकार में सम्यक दर्शन के 4 लक्षण, देव में गुरु गर्भित हैं, देव की श्रद्धा में गुरु की श्रद्धा गर्भित है, गुरु में देव गर्भित हैं, भूत निगम रहे थे भाभी निगम रहे थे, सिद्ध चक्र विधान में एक तुमने पढ़ा होगा, जलगता सिद्धा स्थलगता सिद्धा, भूत पर्यायों से एक वर्तमान पर्याय से, भूतकाल की पर्याय से ही तो गई है और नहीं तो से। अरे जलगता सीधा स्थलगता सीधा कहाँ होते हैं, अरे तुम कहते हो जलगता सीधा, हम कहते हैं सभ्य शुद्धा,
सर्व जीव है सिद्ध समझे समझते था। लक्ष्य कराने के लिए लिखे ग्रंथ सुखदार, लक्ष्य कराना है बस खाली। सर्व जीव है सिद्ध सम, कौन साथ ममता करें, कौन साथ द्वेष, द्रव्य दस्यो देख तो सब शुद्ध बुद्ध परवेश। अरे रस पियो, आनंदमय जीवन जियो, लूटो और लुटाओ की संस्कृति में मर रहो, जियो और जीने दो। डॉक्टर साहब ने इन्हें लूट रहे हो, मजबूरी का फायदा उठा लिया, अंग्रेजी बोल रहे इन्फेक्शन है फलन हुआ जी वह नेक होने तो मवाद निकलने दो और ऑपरेशन करा दो और 4,000 रुपया ले रहे अंगूठा बेकार। लूटो मत और फिर भी शोरूम में लुट आए, एक की चीज 4 में ले आए और बेबा में बेचियों में लुटता है, ऐसा कुछ कोई कैसी में नहीं लुटता। अगर तुम्हें लुटना नहीं है तो एक बात याद रखो, आत्मा के अतिरिक्त किसी को अपना विषय मत समझो, ये हमारे विषय है ही नहीं। इंद्रिय के भोग हमारे भोग कहाँ हैं, हम तो अतिंद्रिय मापदार हैं। ये कपड़ा की दुकान पे लुट आए, नीचे वापस 300 रुपया पड़े, ऊपर 900 रुपया पड़े। हे भगवान, 300 की चीज 900 में, भीतर देखो नहीं ऊपर देखते है। डिजाइन बहुत बढ़िया है कि माल बढ़िया है जी सोचो, शैली बहुत बढ़िया है कि विषय बढ़िया है, शब्द बढ़िया है कि भाव बढ़िया है ये सोचो पहले। टोटरमल जी ने आत्मानुशासन की टीका अधूरी छोड़ी, लेकिन उन्होंने ही लिखा है जो ताड़ना करके भी दोष छुड़ाए वह गुरु भला है, जो दोषों का पोषण भी कर दे वह गुरु चुप भी रह जाए वह गुरु भला नहीं। ताड़ना करके भी दोष छुड़ाए वह गुरु भला है। बहुत धन बुरा हु भला कहिए लीन पर उपकार सो, उसे भी बड़ा कहेंगे परमात्मा प्रकाश में क्या कहा, वह पाप भी भला है जिसकी आपत्तियां विपत्तियां देख करके जीव धर्म मार्ग में लगती है, वह पुण्य भी भला नहीं है जिससे बुद्धि वह वैभव होता है पुण्य के उदय से, बुद्धि विभ्रम होती है मद होता है पाप होते हैं नरक में जाता है इसके। नहीं तो तुम बता देना, एक भी ऐसा भोग हो उसका फल नहीं हो नरक, बता। भोगों की आसक्ति का फल नरक है, त्रियंच है। अगर तुम्हें नरक त्रियंच के दुख नहीं सहन करने हैं तो भोगों में आसक्त मत हो, परिग्रह में आसक्त मत हो। आसक्ति बुरी चीज है, होना ना होना तुम्हारे हाथ की बात भी नहीं है। पुण्य के उदय में नहीं चाहने पर भी होता है और पाप के उदय में चाहने पर भी नहीं होता, आसक्ति बुरी है। जाके बिना हवा काम नहीं चले, वो ये हमाव है ये पराव है। अरे कहां ये बातों में पड़े हो, जिसको तुम अपना मान बैठे हो वह भी पराया है, शरीर भी पराया है। भेद ज्ञान करो भाई, देह भिन्न है ये देखो, कोई पदार्थ इष्ट निष्ठ नहीं है। शरीर की किसी अवस्था के हम कर्ता भोगता नहीं है, कोई अवस्था हमारे लिए लाभानकारक नहीं है, हम हर हालत में स्वतंत्र हैं, शरीर से भिन्न है। एक डिब्बा स्टील का होता है, चाहे उसमें घी रखो चाहे दूध रखो चाहे पानी रखो, हम नहीं कहते चाहे गेहूं रखो चाहे चना रखो चाहे मटर रखो चाहे दाल का, और जो चीज रखो उसका डिब्बा कहलाएगा, दाल को डिब्बा
गेहूं को डिब्बा, शक्कर को डिब्बा, दूध को डिब्बा, पानी को डिब्बा। पानी का डिब्बा होता है कहीं? डिब्बा तो डिब्बा है, इस चीज का है। बहुत सुंदर शरीर, अरे बहुत सुंदर परिणाम होते हैं, शरीर नहीं सुंदर होता। शरीर तो अध्रुव होता है, वो अध्रुव अध्रुव है, बिना ठीक है। पर पदार्थ इस अनिश्चय का कारण नहीं हो सकते, सुख दुख के कारण नहीं हो सकते। पर का दोष देखना अज्ञान भाव है। इन्हें जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए, धीरे सुन लेना चाहिए। और कोई नहीं माने कहा तो किसी ने कुछ नहीं कहा, इस तुमने सही कैसे मान लिया उसे? पढ़ाई का एक क्रम होता है, आप भी जानते होंगे, बिना जची हुई कॉपी का कोई मूल्य नहीं। तुम क्या कछ लगे धले कॉपी पपी, हमें का मतलब जचवाओ तो अपनी मान्यता को प्रमाणित तुमने किसने किया? तुमने कैसे सही मान करके बैठ लिया हम करता हैं, हम भोगता हैं? अरे जिनवाणी में तो व्यवहार नहीं थे, उसी को करता कहेंगे, उसी को, उसी जीव को शुद्ध नहीं थे अकर्ता कहेंगे। तुमने कैसे मान लिया एकांत? जिनवाणी में तो अनेकांत स्वरूप वस्तु को अनेकांतात्मक ढंग से ही कहा गया है, स्यादवाद से ही कहा गया है, स्याद कर्ता। तुमने सर्वता कर्ता क्यों मान लिया? तुम कर्ता मानने वाले को मूर्ख क्यों समझते हो, बेवकूफ क्यों समझते हो? तुमने अकर्ता मान करके, तुमने स्वच्छंद होकर के क्या किया है ये बताओ? जो अकर्ता मानता है वह प्रकर्ता होता है, धर्म तीर्थ का कर्ता होता है, स्वच्छंद नहीं होता। आत्मा थोड़ी खाता पीता है, इसलिए क्या कुछ खा पियो? ये कहां से निकाल ली तुमने? एक बात शास्त्र की, एक बात मन की। क्या कुछ खा पियो? अरे जो खाते पीते हो उसमें भी भेद ज्ञान रखो। ये क्यों नहीं निकाला? क्या कुछ खा पियो, ये कहां से निकाला? भक्ष्य अवच्छ में समता क्यों रखने लगी तुम? न्याय न्याय में समता क्यों रखने लगी? बोलो, समता करना है तुम्हें तो बहुत समता करो। जो नीलो है चाहे पीलो कुर्ता दे दे, का फर्क पड़े बाद? टेरिकॉट को कुर्ता हो चाहे सादा सूती कुर्ता हो, का फर्क पड़े? नहीं, वो तो कैमरे का बढ़िया है और मार्किन गोबरो है। अब समता है तुम्हारी? ऐसी समता का नाम अपने को धोखा देना है। जिसकी दृष्टि में परमार्थ होता है उसको योग्य व्यवहार होगा या नहीं होगा? ऊंची भूमिका में नीचे का व्यवहार नहीं होगा। लेकिन जिसकी परमार्थ दृष्टि है, कसाय की इतनी ममता होती है कि अयोग्य व्यवहार होता ही नहीं। तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हैं? सोचो कम से कम। कछु नहीं, हमें कहो से कहो मतलब नहीं। अरे तुमसे कहो को मतलब नहीं, फिर क्यों अपेक्षा रखते? हमको टाइम पर भोजन मिलना चाहिए का नौकर सामने समझ लिया तुमने? तुम ये अपेक्षा क्यों रखते हो कि नमक ठीक ही होना चाहिए? तुम अपनी मान्यता बदलते नहीं हो, जो है उतना ही ठीक है। ज्यादा है तो ज्यादा ठीक है, कम है तो कम ठीक है, और ठीक है तो ठीक है ही। लेकिन इसमें तुम विषमता क्यों करते हो अपने परिणाम में? कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, सुख दुख का कारण नहीं है, तुम कर्तव्य को दोष क्यों देते हो? टोटरमल जी ने अनिति में लिखा ये, माने सम्यक्ष की पात्रता भी नहीं है। का अपना दोष कर्मादि को देवे,
आप मेहनत रहना चाहे अपना दोष कर्मादि को लगाए अनिति है। जिना क्या माने तो ऐसी समझ लो, तुम जिना क्या नहीं मानते, और जिना क्या नहीं मानते तो भगवान की आज्ञा नहीं मानती तो भगवान को मानोगे। अगर तुमसे कह दे जाओ विधान कराया जाओ भक्ति कराया तो बैठ खुश हो जाए, और बैठे बैठे जो सोचे जय प्रश्न हम करें, और कहोगे जे हम का करेंगे, हम का जाने, हम का जाने, जाके रहे तुम कुतर्क करने के लिए जानते हो, अपना पक्ष पोषण के लिए सब जानते हो, और यथार्थ जानने के लिए कसा मिटाने के लिए नहीं जानते। ये रास्ता उल्टा है ये जानते हो, ये रास्ता सीधा है ये जानते हो, उल्टे को सीधा माने बैठे हो। कितनी कहो दो नाव में पैर मत रखो, लेकिन नई नाव में पैर रखेंगे हम, तुम्हारी सुन लेंगे उनकी सुन लेंगे, करो सब सुनो सब की करो मन की बात। अगर तुम्हें मनमानी करनी है तो जिनमानी मत सुनो, किसी की मत सुनो, हम आपसे कह रहे हैं। और अगर जिनमानी सुनते हो तो विचार करने देखो और मनमानी छोड़ दो। अगर मनमानी करना है तो जिनमानी को बदनाम मत करो, व्यक्ति को बदनाम मत करो, अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है, एक अज्ञानी के अनंत मत हो सकते हैं, अगर मत भेद है तो अज्ञानी एक अज्ञानी होगा उसमें कोई ना कोई, और दोनों ज्ञानी है तो मतभेद नहीं हो सकता। विविख्या भेद को मतभेद मानना मिथ्या दर्शन है। अभी पुरुषार्थ सिद्धि पाए स्वाध्याय कर रहे थे सवेरे, उन्होंने कहा श्रोता में वक्ता में बहुत गुण चाहिए, लेकिन निश्चय व्यवहार का ज्ञान प्रमुखता से चाहिए। अगर निश्चय नहीं जाने और व्यवहार नहीं जाने पहले ही व्यवहार छोड़ गए तो क्या होगा, लेकिन तुमने अपनी कल्पना को व्यवहार समझ लिया पकड़े बैठे। गोबर की डली निकालो तब फूलों की सुगंधी आएगी, गोबर की डली नहीं निकालोगे तो बगीचे में बैठ करके भी फूल पर बैठ करके भी फूल की सुगंधि नहीं ले पाओगे। तुम अपनी मान्यता को अगर सामने रखोगे पुष्ट करते रहोगे तो तुम कुछ भी सुनाई नहीं देगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, समय बेकार जाएगा, शक्ति बेकार जाएगी, बुद्धि बेकार जाएगी। तुम समझते रहोगे हम बहुत बुद्धिमान हैं, खूब उल्लू बनाओ, किनको ये नहीं पता, एक दब दूसरे दब का करता नहीं है, तो आप कहां से करता होगा, तुमने कैसा उल्लू बना लो। अरे ये तो उसकी सज्जनता है। एक बार क्या हुआ, एक समिति में एक मंत्री था और पंचायत भी थी मंदिर की, तो मंदिर की पंचायत के मंत्री के पास पहुंचा, बोले समिति बहुत घबरा है, क्या घबरा है बताओ भाई, यहां तो दस्तखत कर दिए देखो कोरे कागजों पर दस्तखत है, बोलो बोले तुम्हारे विश्वास पे कर दी उनने, घबरा तुम कर रहे हो बेकिन थोड़ी कर रहे, तुम्हारे विश्वास पर उन्होंने कोरे कागज, कौन कोरे कागज पे दस्तखत कर देगा, तुम विश्वासघात क्यों करने में लगे हो, घास नहीं जारी। विद्वान शत्रु श्रेष्ठ होता है मूर्ख मित्र से, सेवकों से जो मक्खी उड़ाने के लिए ना काट दे, मूर्ख मित्र से मूर्ख सेवक से विद्वान शत्रु श्रेष्ठ होता है, ध्यान रखना। स्वार्थी आय को सार्थक करो, कितना बढ़िया टोट रमा जी लिखा, तो उस महात्म भूषण तो
श्री भूति मुंडराज ने तुष्मास भोजन तो छिलका अलग है और दाल अलग है। पंडित जी ने लिखा ये कोई सिद्धांत का बाकी भी नहीं था, शास्त्र का बाकी भी नहीं था, लेकिन फिर भी वेद ज्ञान उन्होंने समझ करके अपना कल्याण कर लिया और तुम रह जाओ क्या रंग नौपुर की पार्टी, तुम जय जो चत्र जे बढ़िया कर्णानियों का ज्ञान है, पाप बंद का भय नहीं, कर्णानियों का ज्ञान हो गया, विशेषज्ञ हो गए, पाप बंद का भय नहीं, अपने पाप का उदय का विचार करके क्षमता नहीं और कर्णानियों के विशेषज्ञ हो गए। कल्याण योग का विशेषज्ञ तो ये उसे कहते हैं जो आत्मा को और कर्म को भिन्न भिन्न जानता है, मेरा ही उदय है लेकिन उदय उदय में है मेरे में नहीं, मैं तो ज्ञाता मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, बस इतना ही, उदय उदय में है, उदय अपना काम करेगा हमारा काम नहीं कर देगा, बहुत पुण्य का उदय तुम्हारा भला कर देगा क्या, अरे स्वामी विवेक अब तुम भला करो क्यों बुरा करो, चाहे उसका भेद ज्ञान करो सदुपयोग करो, चाहे अभिमान करो दुरुपयोग करो, तुम्हें 10 रुपया मिल गए भूख लगी है चाहे तो भोजन कर ले चंजुआ हम का करे, 10 रुपया ने ये तो नहीं कहा तुम जुआ खेलना पड़ेगा, क्या जिंदगी दांव पे लगाओ और क्या जिंदगी का सदुपयोग करो। हम ये एक बात कह रहे हैं जब 6 महीने ज्यादा ज्यादा समय लिखा है, 1-6 महीना उपदेश मेरो मान ले तो इतने दिन क्यों हो गए, सोचते नहीं कभी ये लिखवा दियो, लिखवा दिए लेकिन तुम्हारे लिए कौर के लिए नहीं, इन्हीं के लिए नहीं, नहीं इनके लिए लिखवा दे और सजाए हुए के लिखवा दे, अपने जीवन सजाने के लिए रत्न रत्र है और सजाने के लिए नहीं है, जिनवाणी घर सजाने के लिए नहीं है, जिनवाणी अपने स्वरूप को समझ करके अपनी परिणति को रत्न रत्र से सजाने के लिए है। छपाए देव प्रभाव ना कर दे, अरे ऐसा काम करो जो तुम्हारी लिखे को छपान लगे, छपाने वाले तैयार हो जाए हाल से, पैसा देने वाले तैयार हो जाए और तुम छपने लायक क्या है सो छांट के रख दे, छपा दे तुम प्रेस में नौकरी करो खाली छपा दे, अरे प्रेस वाला छपेगा 10 प्रेस तैयार हो जाए प्रेस मत लगा। हमारे गुरुओं का संतों का साधुओं का यही मार्ग था, यही जिन मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं है, मार्ग माने उपाय, मार्गोपाय, वो अंकुरा जो पेड़ का निकला था बीज होने पर, बीज बोने पर अंकुरा निकला था, वो कहां गया पेड़ बोने पर, इतना मोटा जो तना दिखाई दे रहा है वो वही अंकुरा ही तो है, तुम्हारी श्रद्धा उच्चोत्तर दृढ़ होना चाहिए, वात्सल्य बढ़ता जाना चाहिए, भक्ति बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग शुभोपयोग, बढ़ता हुआ शुभोपयोग घटता हुआ शुभोपयोग, बहुत दिन रहते रहते हो गए, अरे अनंत काल तो रहने हमें, बहुत दिन का करोगे तुम, ये तो ऐसी बात है कि लड़की अपने ससुराल में ये कहे बहुत दिन हो गए, अब कहूं और घर दिखे कहू, ये कोई बात है कुशील है और की और सोचना भी कुशील है, देखना तो बहुत बुरी बात है। एक ऐसो ही थे सुना रहे थे, बड़े सेठ की लड़की और सब्जी वाले लड़के से प्रेम कर बैठी, थोड़े दिन बाद रोज सब्जी ले गए वो लड़का भीतर दे गए कहीं को कर चलता था, एक दिन नौबत आ गई कि लड़के की शादी करेंगे हम,
अब पिता ने समझाया बेटा उनके घरे का है तुम्हारे लायक, टप्पर में रहने पड़े सब भूल जाओगे बंगला। ऐसो के समझाने का मौका आया तो उन्होंने भी समझाया, बेबी जैन थे, घटना सुना रही थी सीधी शक्ति। ऐसो समझाए उस लड़की को, देखो बेटा सोच ले, गुड्डा गुड़ियन को खेल नहीं है, आज करिए कल छोड़ दे, और तुम्हारी उनकी संस्कृति का है, उनके यहां का बंद हुआ तुम्हारे यहां का बंद हुआ, अंडा मांस मदरा सब चलता है, तुम्हारे कुछ नहीं चलता। वो लड़की बोली हम घास फूस खाते उड़ गए, हम तो कर लेंगे, ये भगवान अब का है। लगता सरल है, दीपशिखा दूर से देखने पर सुंदर लगती है, लेकिन पास में जाने पर जलाएगी, फिर जय कहेंगे बचाओगे, जो आग लगा देंगे बुक जय कहेंगे हमें बचा ले। अहिंसा जीव का स्वरूप है, हिंसा जीव का स्वरूप नहीं है। सोचो समझो स्वाध्याय को सार्थक करो। तुमने स्वयंवर के प्रसंग नहीं पढ़े, सीता के स्वयंवर में राजकुमार बहुत से आए, धनुष तोड़ने की बात आई, और रामचंद्र जी भी उधर आ गए। अब सीता राजकुमारों को देख रही, राजकुमार उचक उचक के सीता को देख रहे, रामचंद्र जी ऐसे यो अपनी ओर देखा, वो वर्णन करने लायक होता है, ध्यान रखना, जो अपनी ओर देख रहा है। रामचंद्र जी चुपचाप ऐसे बैठे अपनी ओर देख रहे, सीता की ओर एक बार आंख उठा के नहीं देगा। सीता ने जयमाला डाल दी, वरमाला डाल दी, किसको वरना जो अपनी ओर देखता है, जो तुम्हारी ओर देखे वो तुम्हारे वरने लायक नहीं है। हम कहते हैं घर गृहस्थी ऐसी है, दुख जो दो दुखी होकर के सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं, पत्नी पति की ओर देख रही, पति पत्नी की ओर देख रहा, अगर दुखी सुखी होती तो तुम्हारी ओर क्यों देखा दे? और पति अगर सुखी होता तो पत्नी की ओर क्यों देखता? अपनी ओर देखें तो दोनों सुखी, और एक दूसरे की ओर देखें तो कभी सुखी नहीं, जिंदगी चली जाती है, सुख नहीं मिलता। हे भाई सुखी होना है तो एकमात्र इस संसार में देखने योग्य अपना शुद्ध आत्मा है, जानने योग्य शुद्ध आत्मा है, सर्वदेव शुद्ध आत्मा है, देव शुद्ध आत्मा है, व्यवहार और है, व्यवहार अलग है। जब शुद्ध आत्मा देखने योग्य जानने योग्य ध्यान योग्य है तो शुद्ध आत्मा को बताने वाले कोई होंगे? तुम उनसे दूर रह करके आत्मा को जानना चाहोगे? अहम से दूर रहो और आत्मा को जानना चाहो, कभी नहीं जान पाओगे। तुम दर्पण से दूर रहो, अपना चेहरा देखना चाहो, छह सब ज्ञान में ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है कि चेहरा तुम्हारा है, आंख तुम्हारी है, लेकिन दर्पण में देखने पर ही दिखेगा। पहले अनंत को देखोगे तभी तुम आत्मा को देख पाओगे। जब तक अनंत के प्रति बहुमान नहीं है तब तक वेद ज्ञान नहीं होगा, और वेद ज्ञान नहीं होगा तब तक सच्चा बहुमान नहीं होगा, ध्यान रखना। सही और सच्ची में अंतर है थोड़ा, सम्यक में और सही में। ट्रू कॉपी तुमने कर ली अपनी, अपने हाथ से लिख ली, सही है कि नहीं? लेकिन जब तक गलत कॉपी नहीं है तब कि साइन नहीं है तब तक उस वह प्रमाणिक नहीं मानी आएगी। मैं प्रमाणित करता हूं ये सही है, समझ गए कि नहीं? जब तक अरहंत से आपने मिलाया नहीं अरहंत से अपने को, तब तक सही नहीं मानी आएगी। स्वानुभव के बिना ज्ञान प्रमाण नहीं होता, इसीलिए मैं धवल में कहा का शुद्ध नए अनुभूति का जनक है, प्रमाण नहीं शुद्ध नए अनुभूति का जनक है, और अनुभूति प्रमाण का जनक है।
अब तुम्हें ठिकाना ही नहीं, तुम तो अपनी माने बैठे हो, अपनी करे मैंने समझदार की एक बात याद रखो, बस इतना ही कहेंगे। देखो टाइम बहुत हो गया, क्या कहा? देखो भाई, शुद्ध न जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध, जो शुद्ध का जानना और शुद्धता का प्रकट होना एक ही साथ होता है। हम जानते तो हैं हम आत्मा हैं, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। जहां अनंत शक्तियों की प्रतीति होती है वहां अनंत शक्तियों की प्रकटता भी होती है। दूध में घी निकालना अलग बात है और घी जानना अलग बात है। दूध में घी जान लिया हमने, इसमें घी है। कोई मक्खन निकालने के लिए सेपरेट आके दूध को तो नहीं जमाएगा, पानी को तो नहीं जमाएगा। जानना अलग बात है, वो जानता है इतना घी निकलेगा इसमें। ये अगई की भाई, ये 2 महीना की भैंस, क्या मैंने कम घी निकले? 40 ग्राम निकले, 50 ग्राम निकले? ये 8 महीना की, वो 8 महीना हो गई, क्या मैं खूब घी निकले? वो 60 ग्राम 50 ग्राम, कम से कम 60 ग्राम तो निकले वही भैया। 70 निकले तो हम नहीं कह सकते। दूध में घी जानना अलग बात है और घी निकालना अलग बात है। जमाओगे बिलोगे तब तो निकलेगा, जमाओगे बिलोगे नहीं तो कैसे निकलेगा? लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है, आत्मा को शुद्ध जानना ही शुद्ध पर्याय प्रकट करने का उपाय है। तुम्हारे भाव शुद्ध रहे इसलिए अपने आत्मदृष्टि हमेशा रखना। आत्मदर्शी तुम पंडित हो गए, हमारे गुरु हो गए, दिक्कत तो ये है। आत्मदर्शी बस समझ गए, हम समझ लेते हैं, जिन्हें समझना चाहिए उन्हें समझाएंगे बैठ के, अपन नहीं समझेंगे, चिंता नहीं करेंगे बैठ के। अंधेरे में अखबार पढ़ने लगे, हमने कहा दादाजी अखबार क्यों पढ़ रहे हैं अंधेरे में? बोले निगाह कमजोर है। अंधेरे में और अखबार पढ़ने से तो और ज्यादा कमजोर होगी, टीवी देखने से और कमजोर होगी। सांस पढ़ने के लिए निगाह कमजोर है और अखबार पढ़ने के लिए निगाह कमजोर नहीं है। ये बहाना है, कमजोर नहीं है तुम्हारी निगाह, झूठ बोलते हो। हम 10 बार कहते हैं बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है, इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है। बुद्धि दूसरी जगह लगी है इसलिए यहां नहीं लग रही। ये दूसरी जगह नहीं लगे समेट कर, 5 इंद्रिय और मन से बुद्धि को मर्यादा में लेकर के समेट ली। शुद्ध ज्ञान के अवलंब से होने वाले विकल्पों से बुद्धि को समेट करके फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है आनंद। शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्रकट हो जाता है। जानना ही उसको प्रकट करने का उपाय है और सच्चा उपाय है। इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, सम्यक दर्शन को क्या कहा? ज्ञान, बस केवल ज्ञान शब्द कहने में सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों अंतर्गर्भित हो गए। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। वे नहीं जानते थे रत्न की एकता से मुक्ति होगी। कभी हमारे भाई बहुत भोलेपन से कहते थे अकेले ज्ञान ज्ञान से का हो जाए। हमने क्या अकेला ज्ञान सुन लिया? हमें बता दे, अकेला ज्ञान होता ही नहीं है। जहां ज्ञान होता है वहां वैराग्य होता ही होता है। तुमने अकेले ज्ञान को ज्ञान मान कैसे लिया? ये तुम्हारी भूल है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं और तुमने अकेला ज्ञान मान लिया। एक काम करो, अकेला मिठास लिया, अकेली शीतल कर लिया,
किसी वस्तु के आश्रय से रहेगी कि नहीं, और उसमें अनंत धर्म होंगे कि नहीं। ये सर्वम एकांतात्मक है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो एकांतात्मक हो। चेतन चेतन है, अचेतन नहीं, अनेकांत। और चेतन चेतन हो और अचेतन भी हो तो ऐसा चेतन कैसा हुआ? कल्पना करोगे रहा उसकी। जानना शुद्धि प्रकट करने का उपाय है, इसलिए जो ज्ञानी होता है उसकी पर्याय में शुद्धता होती ही है, स्वच्छता का कहीं अवसर नहीं है। प्रोरमल जी कह रहे, तुम्हें विश्वास हो, मानना हो तो मान लो भाई, नहीं तो अनंत ज्ञानियों का की बिरादरी का दुख भोगो, नहीं तो अनंत ज्ञानियों की बिरादरी का दुख भोग ले, और सुखी होना हो तो जिनवाणी को एकाग्र मन से सुन ले। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम शोध समाधि मुझ में योग का संचार हो, राह तो स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार। Thank you.